नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा टाइम, बहुत सालों से मैंने एक साथ लगातार काम किया है, तो इस वक्त मैं थोड़ा वक्त फैमिली के साथ गुजारना चाह रहा हूँ। और पानी फाउंडेशन का काम चल रहा है, और भी काम है, लेकिन एक्टिंग थोड़ा एक साल के बाद आऊँगा। ये फिल्म में देख सकते हैं मुझे, थोड़ा छोटा सा रोल है। हाँ, एक्चुअली ये फिल्म मेरे बारे में नहीं है, ये वेंकी के बारे में, और इसी का टाइटल इसलिए सलाम वेंकी। और बहुत ही एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, और ख़ास बात यह कि ये एक सच्ची कहानी है। वाकई वेंकी जो है हमारे साथ थे कुछ साल पहले, उनकी माँ सुजाता, इन दोनों की कहानी इतनी इंस्पिरेशनल है और इतनी दिल को छू लेती है। और मुझे इतनी खुशी हुई कि रेवती जी ने ये डिसाइड किया कि उनको ये फिल्म बनाना है। और दिस फिल्म इज़ so beautiful, it's so moving। हर आर्टिस्ट ने इतना अच्छा काम किया है, काजल ने, विशाल ने, each and every actor has done so well, so I'm very happy and proud to be a part of this film, and I'm glad कि रेवती जी ने मुझे एक छोटा सा मौका दिया कि मैं भी इस फिल्म का हिस्सा बन सकूँ। लेकिन ये फिल्म हम सब से बहुत बड़ी है, और जो मुद्दा उठाया है और जिस तरह से सुजाता जी और वेंकी की कहानी लोगों के सामने लाई है रेवती जी ने, इट्स रियली अमेजिंग। सो कंग्रेचुलेशंस रेवती, एंड आई होप आप लोग सब देखें और आप लोगों को खूब पसंद आए। और हम वेंकी और सुजाता जी की कहानी से, हम उनकी लाइफ से, उनके स्ट्रगल से, उनकी विक्ट्री से आप कुछ सीख सकें। अभी कुछ लुक नहीं है, मैंने बस बाल बाल काले नहीं किया। हाँ, मूवी में तो रेवती जी ने जो लुक डिसाइड किया था वो मैंने फॉलो किया, और रवि जी ने उसको शूट किया है। आई थिंक द एंटायर टीम हैज डन अ वंडरफुल जॉब। जो फिल्म का लुक है, गाने जो हैं, जो अल्फाज हैं, सो एवरीथिंग, यू नो, ईच डिपार्टमेंट हैज डन सो वेल। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू द टीम, एंड आई होप आप लोगों को फिल्म पसंद आए, आप लोग देखें। बहुत ही कमाल की का रिश्ता है माँ और बेटे का इस फिल्म में, जो काजल और विशाल ने बहुत ही बखूबी निभाया है। सो इट्स अ वंडरफुल फिल्म एंड इट्स अ जेम ऑफ अ फिल्म। आई होप यू ऑल एंजॉय इट। ओ, विशाल इज अ फैंटास्टिक एक्टर। आई थिंक, आई होप विशाल यहाँ पर आए। एक्चुअली नहीं आए तो अच्छा है, उसके सामने उसका तारीफ करूँगा अच्छा नहीं लगता। ही इज अ वंडरफुल एक्टर। विशाल जो है बहुत ही कमाल का एक्टर है, और ही हैज अ ग्रेट फ्यूचर अहेड, हीज गॉट अ ग्रेट पोटेंशियल एज एन एक्टर। और मुझे इतनी खुशी होती है, जो यंग लड़के आजकल आ रहे हैं, ये उसकी पहली दूसरी फिल्म है, ये उसकी दूसरी फिल्म है, इतना अच्छा काम करते हैं ये लोग। जब मैं आया था तो मुझे थोड़ा 10-15 फिल्में लगी थी सीखने के लिए, लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, दे आर रियली ब्राइट एंड दे आर सो गुड, इट्स सो वंडरफुल टू सी दैट, यू नो, ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर। और सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया था, यू नो, द एक्ट्रेसेस आल्सो, रिद्धि, रियली रियली वंडरफुल। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।